अरे मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर दरबार में मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया, संकट कट गया, संकट कट गया जी, मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में। देखो भाई मैं सच बताऊं, मेरा संकट तो मेहंदीपुर में कटा ही कटा, आप में से किस किस का संकट मेहंदीपुर में कटा है, मैं दोनों हाथ करके बोलना, मेरा संकट कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में, 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 संकट कट गया, संकट कट गया, संकट कट गया जी, संकट कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में, मेरा संकट कट गया जी सनातन के दरबार में, ओहो चोरागे के ऊपर पैर मेरा था आया, कितने चोरागे के ऊपर पैर मेरा था आया, चोरागे के ऊपर पैर मेरा था आया, पीछे पड़ गया यारो मेरे एक भूत का सहाया, पीछे पड़ गया यारो मेरे एक भूत का सहाया, पीछे पड़ गया यारो मेरे एक भूत का सहाया, पीछे पड़ गया यारो मेरे एक भूत का सहाया, हालत मेरी बिगड़न लागी समझ नहीं कुछ आवे, 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 मेरे बस की बात नहीं वो मन ने बना बतावे, वो मन ने बना बतावे, फिर क्यों होया शीतल भाई, फिर क्यों होना था, रे वो मेरे चिपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में, वो मेरे चिपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में, वो मेरे चिपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में, वो मेरे चिपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में, ये दोनों हाथ खोल के फुल घाटे वाले की जय हो। हमारे पिताजी क्या करते थे बेटा, होली दिवाली बाहर नहीं निकलते, कहते थे नहीं कहते थे, हाँ या ना, ये शाम को बच्चा जब घर से सेंट लगा के निकलता था, माँ कहती थी मूर्ख पागल सेंट लगा के नहीं जाते बाहर, क्यों, क्योंकि उसको पता होता था इसके जीवन में तकलीफ आ सकती है। कौन बोल रहा है, ताली बजाओ, दोनों हाथ बोलो। एक दिन चोरागे के ऊपर पैर मेरा था आया, पीछे पड़ गया यारो मेरे एक भूत का साया, हालत मेरी बिगड़न लागी समझ नहीं कुछ आवे, मेरे बस की बात नहीं वो मन ने बड़ा सतावे, वो मन ने बड़ा सतावे, वो मन ने बड़ा सतावे, वो मेरे चिपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में, वो मेरे चिपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में, वो मेरे चिपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में, वो मेरे चिपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में, ओहो तालियां बजाओ, हाथ खड़े करो एक बार बालाजी के लिए, दोनों हाथ खोल के बाद ये तालियां बनाने के बाद, एक दो तीन चार।
छिपटे रोज करे डंडा ते मेरी पिटाई। रोज करे डंडा ते मेरी पिटाई। डॉक्टर वैद दिखा दो डोलू लागे नहीं दवाई। डॉक्टर वैद दिखाता डोलू लागे नहीं दवाई। डॉक्टर वैद दिखाता डोलू लागे नहीं दवाई। डॉक्टर वैद दिखाता डोलू लागे नहीं दवाई। एक जना नु बोला इसने मेहंदी पुर ले चालो। एक जना नु बोला इसने मेहंदी पुर ले चालो। एक जना नु बोला इसने मेहंदी पुर ले चालो। एक जना नु बोला इसने मेहंदी पुर ले चालो। फिर क्यों या भाई? फिर क्यों ना था? मैं जाने ते नट गया जी। कितने जाने से नट गया? मैं जाने ते नट गया जी उस बाबा के दरबार में। कितने नट गया जी उस बाबा के दरबार में। कितने नट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में। कितने नट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। उस दरबार की महिमा हमने देखी है, मेहंदीपुर धाम की महिमा हमने देखी है। ऐसा पावन दरबार है जहां बड़े बड़े लोगों के संकट कटे, जिसका काम कहीं नहीं होता, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने डॉक्टरों को दिखा दिखा के अपने पैसे खूब खराब किए हो और रिपोर्ट में कुछ नहीं आया हो, कि बीमारी तो कोई है ही नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन वो सूखता जा रहा है। एक बार जगत के सबसे बड़े डॉक्टर के पास मेहंदीपुर धाम उसको लेके जाना, और अगर यहां सुनवाई हो गई और यहां वो पावन छींटे लग गए तो बेड़ा पार। और उसके बाद मैं दावा करता हूं, उसके बाद जीवन में फिर किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा दरबार है पावन दरबार। दोनों हाथ खोलो एक बार, ताली बराबर। मेहंदीपुर पहुंचा तो नरसी चैन थोड़ा सा आया। मेहंदीपुर पहुंचा तो नरसी चैन थोड़ा सा आया। लागा जब आरती का चीता निर्मल होगी काया। लागा जब आरती का चीता निर्मल होगी काया। भूत प्रेत सब भागे मेरे मिल गया था छुटकारा। भूत प्रेत सब भागे मेरे मिल गया था छुटकारा। भूत प्रेत सब भागे मेरे मिल गया था छुटकारा। भूत प्रेत सब भागे मेरे मिल गया था छुटकारा। बालाजी ने कर दिया मेरे संकट का निपटारा। भाई संकट का निपटारा। फिर क्यों या भाई? फिर के होना था? मने बेरा पट गया जी। के बेरा पट गया भाई? मने बेरा पट गया जी ना ऐसा कोई संसार में। मने बेरा पट गया जी ना ऐसा कोई संसार में। मेरा संकट कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में। मेरा संकट कट गया जी।